दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल मैप के 5 टॉप फीचर्स बताने वाला हूं और इन फीचर्स की मदद से दोस्तों आप एडवांस लेवल में गूगल मैप को यूज कर सकते हैं। तो कौन से 5 ऐसे फीचर्स होने वाले हैं जिनको आप आज तक पहले से नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों आप अगर इन फीचर्स का यूज करते हैं तो दोस्तों आप काफी ज्यादा एडवांस लेवल के गूगल मैप यूजर कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे 5 फीचर्स हैं जिनको आप नहीं जानते हैं और आज के बाद जानना शुरू करेंगे तो यूज करना भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला फीचर है वो है दोस्तों ऑफलाइन मैप। बहुत कम लोग जानते होंगे लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पर इंटरनेट नहीं चलता है तो दोस्तों आप उससे पहले जहां पर आपका इंटरनेट चलता है वहां पर उस एरिया को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी दोस्तों आप उस एरिया में हर एक चीज को अच्छे से देख पाओगे। और ये फीचर दोस्तों आपको मिल जाएगा गूगल मैप में। प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वहां पर एक ऑफलाइन मैप का सेक्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके दोस्तों आप जिस भी एरिया को एक ठीक है कॉलम बना है उसमें डालोगे तो जितना एरिया उस कॉलम में रहेगा उसको आप डाउनलोड कर लोगे, तो उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इंटरनेट आप बंद भी कर सकते हो तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा एडवांस और हेल्पफुल साबित हो सकती है, यानी कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकती हूँ। दोस्तों जो दूसरा फीचर है वो है दोस्तों लोकल गाइड का। आपने देखा होगा कि आप किसी भी लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो गूगल मैप में बहुत सारे फोटोज खुलते हैं उस लोकेशन पे, बहुत सारे लोग फोटो खींच के करते हैं। और इसके अलावा दूसरा, आप जब कभी भी मैप ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी लोकेशनें बनी हुई मिलती है। ये दोस्तों काम होता है एक गूगल गाइड का, ठीक है, एक लोकल गाइड का। और वही लोग गूगल मैप में कहीं पर भी लोकेशन डालनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर लोकेशन डालते हैं और जहाँ कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहाँ की फोटो डालते हैं, जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि उस जगह पर किस टाइप का वहाँ पे नज़ारा वगैरह जो भी है वो देख लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक लोकल गाइड की मदद से, और आप भी गूगल मैप में एक लोकल गाइड बन के ये फोटो वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, जिस भी लोकेशन पर जाते हो उस लोकेशन की दोस्तों आपको फोटो शूट करनी है और उसी लोकेशन पर आपको वो फोटो डालने का गूगल मैप में ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी मिसिंग पैलेस को, अगर आपको ठीक है लगता है कि इस पैलेस को गूगल मैप में होना चाहिए और नहीं है, तो आप उसको सबमिट कर सकते हो गूगल मैप में। अगर सबमिट नहीं करना आता है, वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जाकर देख लेना कि किसी भी पैलेस को, दुकान को, स्टोर को, किसको, ठीक है, हर चीज़ को किस तरीके से गूगल मैप में सबमिट किया जाता है, तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरा फीचर है वो है दोस्तों लाइव लोकेशन शेयर करना। दोस्तों हर किसी को लगता है कि WhatsApp में ही ऐसा फीचर है कि लाइव लोकेशन किसी भी बंदे को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। Google मैप में भी आप अगर प्रोफाइल सेक्शन में जाते हो तो वहां पर आपको लाइव लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, और आप अपनी उस लोकेशन को जितने भी टाइम, ठीक है, आप एक टाइम पीरियड सेट कर सकते हो कि मैं 15 मिनट इस लोकेशन को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ या फिर जिस किसी भी पर्सन के साथ आप शेयर करना चाहते हो उसको 15 मिनट से लेके कई घंटों तक शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोफाइल में एक ऑप्शन होता है जिसे आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों एक एडवांस लेवल का फीचर दिया हुआ है गूगल मैप में। अब दोस्तों जो 4 नंबर पर फीचर है वो है दोस्तों किसी भी लोकेशन को पिन करना। आजकल दोस्तों बहुत सारे लोग, मैं खुद भी इस फीचर को काफी ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि जब कहीं पर भी हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम कहीं पर भी उस लोकेशन को, ठीक है, जैसे हमें लगता है कि हम वापस इस स्थान को कहीं भूल ना जाए, इस स्थान को मतलब जैसे कि किसी में शहर में सिटी में घूमने गया तो मैं अपना, ठीक है, सामान वगैरह किसी एक स्थान पे, ठीक है, होटल वगैरह होता है उस पर रख दूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कहीं वापस इस जगह को कहीं भूल ना जाऊँ कि मैं कहाँ पर था, ठीक है, तो उस लोकेशन पे आपको क्लिक करके रखना है और वहाँ पर दोस्तों एक नीचे सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आप उस लोकेशन को सेव करके रख सकते हो, पिन करके रख सकते हो, और उसके बाद दोस्तों आप उस लोकेशन को कभी नहीं भूलोगे। जहाँ कहीं भी, कहीं पर भी आप घूमोगे तो गूगल मैप में जब भी आप ओपन करोगे तो वो लोकेशन आपको सबसे, ठीक है, ऊपर दिखाई देगी और आप उस लोकेशन पर क्लिक करके वापस उसी लोकेशन पे जाके अपना सामान ले सकते हो। और इस फीचर का वो लोग ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घूमने जाते हैं, जैसे कि जंगलों में, ठीक है, और जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हम कहीं पर भी अपना एक, ठीक है, कैंप बनाते हैं और वहाँ पर सामान रख देते हैं, तो हम, ठीक है, उस स्थान में घूमने, जंगल में घूमने जाते हैं तो हमें वापस थोड़ी पता है कि वो उस स्थान से, हम तो वैसे अनजान है, ठीक है, तो हमें थोड़ी पता है कि हम वापस इस स्थान पर कैसे आएंगे, हम रास्ता भटक भी सकते हैं, तो हम उस स्थान को, उस लोकेशन को पिन करके रख सकते हैं ताकि हमें वापस, हम जंगल में कितना भी भटक जाएं तो वापस उस स्थान पर आ सके, ठीक है। तो इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन को पिन कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट और 5वां जो फीचर है वो है स्पीडोमीटर का। और ये फीचर कब काम आता है, जब आप किसी, ठीक है, प्राइवेट या फिर सरकारी बस में ट्रैवल करते हैं या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तब दोस्तों ये काम आता है और ये गूगल मैप में फीचर दिया हुआ होता है।
और जब भी आप ठीक है कितनी स्पीड में चल रहे हैं ये देखना चाहते हैं तो आप किसी भी ठीक है आप जिस लोकेशन पे जाना चाहते हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद इसे स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको गूगल मैप ठीक है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग ठीक है बता देगा कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं ठीक है। और ये चीज़ मैं भी काफ़ी ज़्यादा जब मैं कभी ठीक है सिटी की तरफ जाता हूँ गांव से सिटी जाता हूँ या सिटी से गांव की तरफ आता हूँ तो बस मैं ट्रैवल करता हूँ और उस टाइम दोस्तों मैं लोकेशन डाल के ये पता कर देता हूँ कि ये बस कितनी स्पीड से चल रही है और कितनी टाइम में मुझे अपने ठीक है स्थान पर पहुँचा देगी। तो ये चीज़ देखने के लिए दोस्तों मैं गूगल मैप में ठीक है ये चीज़ें चेक करता हूँ। और ये चीज़ें कैसे यूज़ की जाती है वो तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपको एक लोकेशन डालनी है और नीचे स्टार्ट करना है और उस लोकेशन तक जाने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस होता है और उसमें हमारी स्पीड बता देता है। तो ये थे दोस्तों गूगल मैप के 5 एडवांस फीचर जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। दोस्तों एक नेक्स्ट और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल मैप में किसी भी सड़क गली मोहल्ले को किस तरीके से ऐड किया जाता है। और एक और वीडियो आने वाला है जिसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल मैप को यूज़ करेंगे ठीक है। और जिन लोगों को नहीं यूज़ करना आता गूगल मैप बिल्कुल भी ठीक है उनको पता ही नहीं है तो वो किस तरीके से गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं तो उसके बारे में भी एक वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा अगर पसंद आया हो तो नीचे दोस्तों एक लाइक का बटन है उसको दबा दीजिएगा ठीक है। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।